इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आ गए हैं आपके बीच डीसीपी सर और आपको कॉमेडिकल रूप से आज टॉपिक चलेगी हिस्ट्री, जिसे कहते हैं इतिहास। इतिधनहास बराबर इतिहास। अब बात आती है कि इतिहास है क्या और इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, और उसके जनक कौन है, ठीक है। इतिहास हम पढ़ना क्यों स्टार्ट किए हैं, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं इतिहास के लिए और जैसा कि सभी क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के लिए पूछे भी जाते हैं। तो बेटा डिस्टर्ब मत करो और जाओ तुम पढ़ो लिखो जाओ। जैसा कि छोटा सा बच्चा आकर डिस्टर्बिंग कर रहा है उस पर आपको ज्यादा गौर नहीं करना है। और सबसे पहले आपके बीच यही आता है कि इतिहास है क्या, व्हाट इज इतिहास। आप लोग जानते होंगे या फिर न जाने होंगे तो आप लोग मेरे स्पीच द्वारा आप समझ सकते हैं। मैंने अभी तक जितनी बातें बोली वो इतिहास में चली गई, वही इतिहास हमने भी तुरंत तुरंत बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने भी तुरंत तुरंत बोला फिर से रिपीट कर रहा हूं, यही है इतिहास। यानी मैंने जो बोल दिया वो चला गया, वही इतिहास है। हमने ऐसे किया अब दोबारा तो ऐसे नहीं आए, हमने दोबारा की ये बात तो ठीक है लेकिन ऐसे किया वो तो गया ना, वो इतिहास बन गया। और देखिए ये एक पेन कलम है और ये नीचे डिपकिन चली जा रही है, गिर गई, गिरना ही हमारा इतिहास है, यानी गिर चुकी। अब इसको दोबारा उठाएंगे, ये हुआ हमारा प्रेजेंटिंग। देखिए कहने का मतलब आपको थोड़ा सा आनंद रूप से समझाते हैं कि इतिहास क्या है। सपोज समझ लो ये मेरे चांस है, ठीक है बेटा उधर लगो अपने भैया की तरफ, ये चांस है और ये चाहते हैं कि हमारा वीडियो कैमरा में आए, ओके। अब मैं जो पढ़ाया हुआ हूं जस्ट 2 सेकंड बाद आप जानेंगे उसको पढ़ेंगे तो ये इतिहास में आ चुके हैं। उस समय आप प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं जिस समय आप पढ़ रहे हैं, और प्रेजेंट से 1 सेकंड भी अगर तनिक आगे गए तो वो उसके पीछे वाला भाग इतिहास कहलाएगा, ओके okay? बेटा जाओ थोड़ा सा पानी लाओ, प्यास लगी है, जाओ। तुम्हारा गूगल पे इंटरनेट चला गया, बहुत लोग देखेंगे वीडियो तुम्हारा, जाओ। तो जैसा कि अब आपके बीच बताएंगे इतिहास क्या है, व्हाट इज इतिहास यानी व्हाट इज हिस्ट्री। बीते हुए काल को हम इतिहास कहते हैं, हमने आपको बताया कि बीते हुए काल को इतिहास कहते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा क्वेश्चन यही पूछता है कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। हम कह रहे हैं कि अगर हमारा पेन है हमने इसमें खचीर दिया, खचीर तो दिया ना, ये इतिहास बन गया। अब इसी पे अगर हम दोबारा खचीरे तो मेरा प्रेजेंटिंग इतिहास। इतिहास कई प्रकार के होते हैं, लाओ बेटा थोड़ा सा, जैसा कि ये पानी लाया है तुरंत तुरंत, साफ है कि नहीं है, सफाई पर विशेष ध्यान देना, साफ है ना पानी, हाँ वेरी गुड, ओके okay। इतिहास के प्रकार की बात करें, इतिहास अगर वर्डिंग नंबर से देखा जाए तो इतिहास 8 प्रकार के होंगे, अभी सब आपको ऑनलाइन कृतिंग ऑनलाइन कृतिंग द्वारा बताएंगे, ओके okay? अब वैसे तो मैं हिस्ट्री की बात करूं तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, प्राचीन इतिहास, ओके okay? मध्यकालीन इतिहास के बाद आता है आधुनिक इतिहास, ओके okay? आपको ये तीनों प्रकार के इतिहास में आपको पूरा डिसीजन मैं बता दूंगा। बेटा चलो बैठ जाओ, बैठो तुरंत बैठो, वहां पे डिस्टर्ब कर रहे हो, बैठ जाओ, ओके okay? अगर हम इतिहास के जनक की बात करें तो हमारे आते हैं हीरोडोटस। हीरोडोटस नामक वैज्ञानिक हमारे इतिहास की एक तरीके से जनक माने जाते हैं या खोजकर्ता स्टुअर्टिंग माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, हीरोडोटस। बेटा थोड़ा कलम दो, दो आप ही आ गए, आप ही आइए गूगल पे दिखा देते हैं आपको। अभी ये रोने लगा है जैसा कि कैमरे में चल रहे हैं, ये अच्छा से जो अभी पानी देकर गए उससे छोटे हैं और ये भी हमारे ब्लॉग वीडियो में बनाते हैं। अभी आप मेरे ब्लॉग वीडियो में जाएंगे देखेंगे आज का नजारा,
यानी आप थोड़ा सा सर्च करेंगे डीसीपी सर का न्यू ब्लॉग, डीसीपी सर डाल देंगे सर्च में मेरा वीडियो आ जाएगा। उसमें ये जो है कि बाल में बिंदा था तो बाल बता रहा था कि मामा जी बाल वहां पे है यानी गेहूं। मैंने उसमें ये वीडियो डाला है एक गेहूं की बाल की कितनी कीमत होती है। मैं ऐसे ऐसे ब्लॉग वीडियो बनाया हूँ, आपको कुछ सीख भी मिलेंगी और उस ब्लॉग वीडियो देखने से आपको आनंद भी आएगा। तो छोड़िए उस बात को, मैं आपको हिस्ट्री लेकर बात चलाता हूँ। अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं लिंक में दे दूंगा, आप मेरे वीडियो पर देख सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने आपको बताया हीरोडोटस कौन है। हीरोडोटस हमारे इतिहास के जनक है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन क्वेश्चन द्वारा हिस्ट्री क्या है, इतिहास के प्रकार, भाग और जनक। जनक को मैंने बता दिया हीरोडोटस है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट द्वारा अगर टाइम से देखा जाए तो हमारे 8 प्रकार के इतिहास आते हैं और मैं 8 प्रकार आपके बीच अभी दिखाएंगे सब चीज। ओके, और जैसा कि मुख्य रूप से अभी आपको बताया कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, मैं इन सभी विषय के बीच में चर्चाएं करूंगा। ओके, और जैसा कि स्याही बहुत ही कम है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है और मैं अभी एडिटिंग करने में करीब 2-3 घंटे समय ले सकते हैं, बैटरी भी डिस्चार्ज है। मैं आपको पूरी तरीके से आप कल अपलोड करूंगा, देख लीजिएगा अच्छे से। तो फिलहाल अब आपको यही तक के लिए, मैं आपके बीच ऑनलाइन था, अब ऑनलाइन था मतलब कि ये आपके बीच फोकस में था, अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन द्वारा आपको पढ़ाते हैं पूरे डिटेल में, ध्यान से समझिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा। मित्रों का मतलब कि अपने स्टूडेंट जितने भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, समय का बहुत ही अभाव है, ताकि सभी लोग अपने कंपटीशन में अच्छा सा पेपर सॉल्व कर सके। ओके, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ जाएगी सब्सक्राइब कर लेना, मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि मैं जो भी वीडियो इंटेलिजेंस बनाऊं और आपको उस वीडियो से सीख मिले और अपने परीक्षा सेटों में अच्छा हासिल कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अब मैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है ही भाइयों, और अब मैं ऑनलाइन शिक्षण कंप्यूटर द्वारा पढ़ाते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप देखिए जस्ट 2 सेकंड बाद तैयार था। इतिहास यानी इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, और या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जात से संबंध घटनाओं का वर्णन इतिहास कहलाता है। इतना आप जानेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि इतिहास के जनक कौन हैं। आप डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल पढ़ रहे हैं, यानी हीरोडोटस, ये हीरोडोटस है वैज्ञानिक यानी जनक, इतिहास के जनक का नाम हीरोडोटस है। दुनिया के महानतम इतिहासकार सीसीरो ने हीरोडोटस यानी तुर्की को पहली बार फादर ऑफ हिस्ट्री का उपाधि दिया था, यानी हीरोडोटस जो है इतिहास के जनक हैं, इतना भी जानिएगा। उसके बाद आप जानकारी रखिए, भारत का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना माना जाता है। 65,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे थे, जहाँ वे पहले विकसित हुए थे। सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया में रहता है, ठीक है, इतना भी जानकारी रखिए। उसके बाद आप जानकारी रखिए कि प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है, जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है, और इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है, और आर्यों की भाषा संस्कृति थी और धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा, ठीक है। उसके बाद आप जानकारी रखिए कि हिंदू धर्म में अनेक ग्रंथ, पुस्तकें तथा महाकाव्य इत्यादि की रचना की गई। इनमें प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं, वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृतियां, पुराण, रामायण एवं महाभारत। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, और इन धार्मिक ग्रंथ से प्राचीन भारत की राज्य व्यवस्था, धर्म, संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मिलती है। उसके बाद आप जानकारी रखिए कि वेद, इसका अर्थ होता है महत ज्ञान,
अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी के स्रोत वेद ही हैं। इनकी संख्या चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदांग इनमें वेदों की अर्थ को सरल ढंग से समझा जा सकता है। इनकी संख्या छः हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। इतना जानकारी रखिए, उसके बाद आप जानकारी रखिए ये कि वैश्विक इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री ऐतिहासिक अध्ययन का एक नया क्षेत्र है जो 1980 के दशक में एक अलग शैक्षणिक क्षेत्र के रूप में उभरा। यानी वैश्विक इतिहास से आशय वैश्विक परिक्षेप यानी परिप्रेक्ष्य से इतिहास की जांच करने से है, किंतु यह तुलनात्मक इतिहास से अलग है और विश्व के इतिहास से भी अलग है। इतना जानकारी है कि उसके बाद आप बताएंगे कि हमने बताया था काइंड्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के प्रकार। इतिहास के 8 प्रकार होते हैं प्रारंभिक स्टूडिंग लेकर। पहला है इतिहास का क्षेत्र, दूसरा है राजनीतिक इतिहास, तीसरा है सामाजिक इतिहास, चौथा है सांस्कृतिक इतिहास, पांचवा है धार्मिक इतिहास, छठवां है आर्थिक इतिहास और सातवां है संवैधानिक इतिहास, आठवां है राजनयिक इतिहास। ये हुए हमारे इतिहास के प्रकार। अब आपको बताएंगे इसके आगे कि बताया है भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास के 3 भाग हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो अगर हम बात करें समयकाल की तो हमारे मानव के आगमन से लेकर और समयकाल 712 ईसा मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण किया तक और समयकाल 1757 ईस्वी तक, ओके, 8वीं शताब्दी तक चला और 1757 प्लासी के युद्ध तक चला और 1947 ईस्वी तक चला। उसके बाद कुछ इतिहासकार 701 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में प्राचीन इतिहास का अंत मानते हैं। इस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि हुए हैं। और कुछ इतिहासकार 1707 ईस्वी तक, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब तक मध्यकालीन इतिहास चली। और 1947 में क्या हुआ कि कुछ इतिहासकार 1964 तक मानते हैं जब नेहरू समाप्ति हुई। इतना आप जानकारी रखेंगे, ठीक है। इसी कड़ी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, यानी लाइक होगी, और लाइक होगी तो अच्छी बात, और समझ में आई होगी तो सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर कर दीजिएगा विद्यार्थियों, क्योंकि सभी विद्यार्थी क्लास को ले सकें और अपने कंपटीशन के एग्ज़ाम को सॉल्व कर सकें। अच्छा, बाकी वीडियो अच्छी लाइक करें।